क्या आप अपनी भावनाओं से ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं, तनाव फील कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी भावनाओं पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं? खुद पर हावी ना होने दें अपनी भावनाएं, इस तरह करें अपने इमोशनल कंट्रोल। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास टिप्स बताऊंगी। कई बार उम्मीदों और उपेक्षाओं का इतना बड़ा पहाड़ हम पर टूट जाता है कि उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत कठिनाई होती है। ऐसे में दिमाग में समझ ही नहीं आता है कि आखिर करना क्या है। सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है अपने डिस्ट्रैक्टिंग लाइफस्टाइल से बचें। आजकल इमोशन का बहुत बड़ा खेल है। अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। खुद ही खुद हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, बिकॉज हमारा जो इमोशन है वो हर जगह है, हम हर जगह डिस्ट्रैक्टेड हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना है, किस चीज़ पे कंट्रोल रखना है। और ज़िंदगी जीने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग लाइफ में प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ लोग लाइफ को इमोशनल वे में डील करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कुछ आसान टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी ताकि आपके इमोशंस पर आप काबू रख सकते हैं। दर्द बताने में हिचकिचाना नहीं। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिसे हमें तनाव होता है, हमें टेंशन होती है, उसे बातचीत करने से ही वो हल होती है। ऐसी बातें हम दूसरों से तो छोड़िए, कभी कभी ऐसी बातें हम अपने आप से भी नहीं कर पाते हैं जब हमें तनाव होता है। ऐसे करने से हमें बचना है, हमें खुलकर बात करनी है। भावनाएं, जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, उनको एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उनको हमें स्वीकार करना है, अपनी फीलिंग्स को अक्नॉलेज करना है। और ऐसे में अपनी लाइफ को ब्लैक एंड वाइट कैटेगरी में नहीं देखना है, क्योंकि जो लाइफ है, अगर आपको अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहिए तो आपको ये समझना है कि लाइफ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, बल्कि डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे है। इसलिए अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी चिंता है, उसको दूसरों से शेयर करें। इसका मतलब कोई काम जितना हो सके उतना ही करें। उसे ज़्यादा करने से क्या होता है, हम परेशान होते हैं, हम दूसरों से शेयर नहीं कर पाते जो हमारी तकलीफें होती हैं। और जो भी आपकी भावनाएं, उसको स्वीकार करें, अपने आप को स्वीकार करें कि हाँ, मुझे तनाव हो रहा है, मुझे हेल्प चाहिए। खुद को भी थोड़ा समझें, इमोशन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है खुद को समझना। क्या मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, क्या मैं ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को खो देती हूँ, मैं परेशान जल्दी हो जाती हूँ, और क्या मैं जो अपनी कोशिश है वो नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे किस चीज़ में फोकस करना है और किस चीज़ में नहीं। समस्याओं का प्रेशर हावी ना होने दें अपने आप पे। आप एक चीज़ जो जानते हैं, जो हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लाइफ में, इसीलिए स्ट्रेस देने वाली जो कंडीशंस हैं जिसमें हमें पैनिक होता है, उसे हमें बचना है। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हम सब चाहते हैं, लेकिन जो अपेक्षाएं आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, हम उससे ओवरथिंक करते हैं। हम उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। समस्याओं को देखने का नज़रिया बदलिए। कई बार शांत मन से ही आप समस्याओं को हल कर सकते हैं, और वही सही तरीका है। ऐसे में उन समस्याओं को सुलझाना आसान होता है जब आपका मन शांत होता है। इसलिए अपनी समस्याओं को देखने का अपना नज़रिया बदलिए, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। नज़रअंदाज करिए जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। ऐसे कोई बिहेवियर्स हैं जो आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं। जब भी आपको लगे कि कहीं कुछ बोलना सही नहीं है, और अपने रहने से, आपके वहाँ रहने से आपको लगता है कि और स्ट्रेस बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो आप एक वॉक पर चले जाइए, आप उस सिचुएशन से उठ के बाहर चले जाइए, ना कि आप रिएक्ट करें। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने से बताएं दिल का राज। कहा जाता है कि दर्द बांटने में से
दर्द बांटने से कम हो जाता है और खुशियां बांटने से दुगना हो जाती हैं। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो आपके लोग आपके करीब हैं उनसे अपने दिल की बात खुलकर करिए। ऐसे करने से आप अच्छा फील करेंगे और आपकी भावनाएं आपके काबू में हो जाएंगी। और अगर आपको कोई तनाव है आप प्रोफेशनल्स को भी रीच कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? जब भी हमारे इमोशंस बाहर आते हैं तब हमारे इमोशंस बाहर आते हैं एक्सरसाइज करने में हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको डांस अच्छा लगता है आप डांस कर रही है, आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है आप म्यूजिक सुनिए, आपको लिखना पसंद है आप लिखिए, आपको और क्लैरिटी मिलेगी और आपको अपनी लाइफ में कंट्रोल मिलेगा। आखिरी में मेडिटेशन करिए। अच्छे तरीके से मेडिटेशन करना आपको बहुत बहुत लाभदायक होगा। ये खुद के आपके जो भी इमोशंस हैं जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं आपको मेडिटेशन से सल्यूशन मिलेगा, हल मिलेगा कि अपनी भावनाओं को कैसे हैंडल करना है। आप अपनी किस भावना पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, आप किस भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, हमें कमेंट में नीचे बुलाइए। बिकॉज हमारा मकसद एट हैप्पीनेस इज लव बस एक है कि हम पारिवारिक प्रेम को बढ़ाएं, अपने रिश्तों को अपने संबंधों को और मजबूत करें। मेरा नाम है ज्योतिका बेदी और मैं हूं फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।